आप सभी का स्वागत है। मैं सभी स्टेट का डोमिसाइल क्राइटेरिया बताने वाला हूँ, पूरे स्टेट का बताऊंगा। और मैं सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी ऑफिशियल जारी किया वही है। और मैं एक बात और बता दूं, ये डोमिसाइल क्राइटेरिया इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप डिजर्विंग कॉलेज के हकदार हैं, अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है तो वो कॉलेज आपको शायद न मिले, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म में या काउंसलिंग में सबसे मेजर रोल प्ले करता है डोमिसाइल। क्योंकि किसी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, जैसे एग्जाम्पल देकर मैं आप सभी को समझा दूं कि किसी दूसरे स्टेट में उनका घर होगा और पढ़ाई किसी दूसरे स्टेट में उन्होंने किया है, या पापा का जॉब कई सालों से किसी दूसरे स्टेट में है, या बहुत सारे और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। आपको इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। शुरू करते हैं। ये जो लिस्ट है मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, स्मार्ट नौकरी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और वहां पे बहुत सारे पीडीएफ मैंने अपलोड कर रखा है, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह, तो आप सभी वहां पे टाइम टू टाइम बहुत सारे पीडीएफ मिलते रहते हैं, उसे जरूर आप सभी ज्वाइन कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। प्रत्येक स्टेट्स के बारे में आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिहार से। लिखा हुआ कि यू शुड बी अ रेजिडेंट ऑफ बिहार फॉर द पास्ट थ्री ईयर, तीन साल से। उसके बाद आपका या तो घर या तो प्रॉपर्टी या लैंड होना चाहिए। वोटर लिस्ट में या तो नाम होना चाहिए, ठीक है। फीमेल कैन अप्लाई फॉर द सर्टिफिकेट इफ दे आर मैरिड टू ए पर्सन फ्रॉम बिहार, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ द माइनर्स द सर्टिफिकेट इज इशूड बेस्ड ऑन देयर पेरेंट रेजिडेंसी। क्लियर लिखा हुआ है बिहार के बारे में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या टेलीग्राम पे मिल जाएगा। दिल्ली, या तो दिल्ली में आपका घर है तो डोमिसाइल होगा, या अगर दिल्ली में सिर्फ आपने मानो घर नहीं है, सिर्फ ट्वेल्थ भी वहां से पास कर लिया है, तो आप 85% में आपका जरूर पार्टिसिपेट ले सकते हैं। मैं बेसिकली 85% में पार्टिसिपेट लेने के लिए आप सब लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। असम में, असम का है कि मिनिमम आपको 20 या अबव ईयर उस स्टेट में या तो आपने रहा है या वहां उस स्टेट में 7th to 12th तक का पढ़ाई किया है। आंध्र प्रदेश, कैंडिडेट शुड हैव रेजिडेंट इन द स्टेट फॉर 7 consecutive years तक, या आपने या तो 7 consecutive years तक वहां पे रहा है या 12th तक का पढ़ाई वहीं पे हुआ है आप लोगों को, ठीक है। गुजरात में, कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न इन गुजरात एंड हैव क्लियर्ड क्लास 10th एंड 12th फ्रॉम द स्टेट, आई बस उनमें, या कैंडिडेट बोर्न आउटसाइड गुजरात, अगर आउटसाइड गुजरात में बोर्न हुआ है, शुड हैव कंप्लीटेड क्लास 10th एंड 12th फ्रॉम द स्टेट, शुड हैव लिविंग इन गुजरात फॉर, देखिए कई बार क्या होता है कि आपने आपका घर गुजरात के बाहर है, राइट, और आपने 10th और 12th का पढ़ाई किया है, लेकिन उसके बाद भी 10 साल कंसेक्यूटिव ईयर तक वहां पे अगर आपने रहा है तो आप हकदार है इस चीज को, ठीक है। इसके बाद भी जो मैं बता रहा हूं, उसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं तो मुझे पूछे, जरूर पूछ लें। कभी भी डाउट में अगर है तो आप डोमिसाइल को लेकर कोई भी चीज फॉर्म को फिलअप करेंगे तो डाउट में नहीं करना है, आप जरूर पूछ लीजिएगा आसपास कोई भी होगा, पापा से या आपको या मुझसे, कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर देखता हूँ, जेन्युइन कमेंट देता हूँ। या बहुत सारे इतने मैसेज आते हैं मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, सॉरी इसके लिए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अब आपके जवाब दूं मैं, ठीक है। कर्नाटका, कैंडिडेट शुड हैव रेजिडेंट इन द स्टेट फॉर 7 consecutive years या 12th आपने वहां से किया है, ठीक है। मैक्सिमम स्टेट मैंने क्या देखा है, या तो आपने 12th तक पढ़ाई किया है या उस स्टेट में, और ठीक है, या उस स्टेट में आपने 7 to 8 years और above तक आपने रहा है तभी आप एप्लीकेबल हो, ठीक है। दूसरे स्टेट में, जैसे सपोज करें कि अगर मेरा पढ़ाई दिल्ली से हुआ है, 12th तक का दिल्ली से पढ़ाई हुआ है, और दिल्ली का क्या पॉलिसी है, 12th पास किया है तो आप उसमें पार्टिसिपेट ले सकते हैं, तो मैं एलिजिबल हूँ, ठीक है। चलिए, महाराष्ट्र स्टेट, कैंडिडेट शुड बी अ डोमिसाइल ऑफ द स्टेट एंड शुड हैव कंप्लीटेड क्लास 10th एंड 12th फ्रॉम द स्टेट। आप सभी यहाँ देख सकते हैं, काम करते हैं, एक एक करके बताने लगा तो वीडियो 25-30 मिनट का हो जाएगा। मैं ना एक काम करता हूँ, मैं आगे बढ़ाते चलता हूँ, आप सभी ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से पढ़ सकते हैं आप, ठीक है, या मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। यहाँ देखिए पंजाब, एक बार जरूर देख लें आप लोग, पंजाब का इजी है, राजस्थान स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। यहाँ पे सेम जो मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा कंसेक्यूटिव ईयर और 10th और 12th, ठीक है। उत्तर प्रदेश का यहाँ पे है, तमिलनाडु का है, देखें यहाँ पे तेलंगाना का है यहाँ पे, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का है यहाँ पे, ठीक है, चंडीगढ़ का है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ का यहाँ पे है, ठीक है, सभी स्टेट का है, जम्मू एंड कश्मीर का है। देखिए फ्रेंड, एक जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करने वाला हूँ।
मैंने एक वीडियो बनाया था सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोडेड अंडर अपलोडेड एज पर रूल, बताया था ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहा है। देखिए फ्रेंड, अगर सेल्फ डिक्लेरेशन वो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के लिए है या माइनॉरिटी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उनके लिए है, अगर उस जम्मू एंड कश्मीर में बिलोंग करते हैं तो आपका वो जो सेल्फ डिक्लेरेशन वो ऑन हो जाएगा, या इसको छोड़कर आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो देखिएगा जैसे फॉर्म फिलअप कीजिएगा वो जो सेल्फ डिक्लेरेशन है वो हाइड हो जाएगा, आपसे वो पूछेगा ही नहीं। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स अगर सेल्फ डिक्लेरेशन में यस चूज करते हैं तो आपको स्टेट से बेनिफिट नहीं मिलेगा, और अगर यस चूज करते हैं तो इसका माना जाएगा कि आपके पास स्टेट का डोमिसाइल नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपको स्टेट से बेनिफिट लेना है और डोमिसाइल है, उस डिक्लेरेशन को आप नो चूज करें। क्या नो? नो, ठीक है। चलिए दादरा एंड नागर हवेली यहां पे देख सकते हैं, ठीक है, मैंने बहुत मेहनत किया है, आप भी लाइक जरूर करें, ठीक है। चलिए हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे क्लियर है, द कैंडिडेट मस्ट बी अ बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ ए स्टेट ऑफ हरियाणा, द कैंडिडेट शुड हैव रेजिडेंट देयर फॉर मिनिमम 10 इयर्स एंड शुड हैव स्टडी अंडर एनी बोर्ड सीबीएसई एचबीएसई आईसीएआईसीएसई और ओपन हरियाणा बोर्ड, ये क्राइटेरिया है। हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे देखिए क्लियर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये दो पेज है हिमाचल प्रदेश के लिए, दो पेज है, एक ये वाला पेज है एक ये पेज है, ठीक है, सभी स्टेट का है, ताकि आपको भी ये ना बोले कि भैया आपने इस स्टेट का नहीं किया है, लेकिन बाय चांस अगर किसी स्टेट का रह गया हो तो मुझे मैसेज जरूर करें, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। झारखंड के स्टूडेंट के लिए सिंपल 21, केरला स्टूडेंट के लिए देखिए यहाँ पे एक और पेज है केरला के लिए, ये देखें उसके बाद मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे देखें कैंडिडेट हु वेयर चिल्ड्रन फॉर फ्रीडम फाइटर, ठीक है, डिफेंस पर्सनल, ठीक है, पर्सनल कैंडिडेट हुज पेरेंट्स वर्क्स विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर पोस्टेड इन मध्य प्रदेश, तब भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। ये देखें सॉरी मणिपुरा, उसके बाद मेघालय, उसके बाद मिजोरम, यहाँ देखें, ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज है, आप सभी समझ सकते हैं, बस ये मैं आपको प्रोवाइड कर दिया जो कि इंपॉर्टेंट है, काउंसलिंग तक ये इंपॉर्टेंट है, काउंसलिंग तक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखो ओडिशा, पुडुचेरी, त्रिपुरा, ये त्रिपुरा का ही है दो पेज, ठीक है, त्रिपुरा, उत्तराखंड, ठीक है। अच्छा वेस्ट बंगाल का दिखा नहीं है क्या मुझे? आई थिंक वेस्ट बंगाल मुझे मैसेज का रेस्टोरेंट लगता है, वेस्ट बंगाल नहीं डाला क्या मैंने? त्रिपुरा, ठीक है, पुडुचेरी, उड़ीसा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, मध्य प्रदेश, केरल, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, सब ये स्टेट का है फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब देखो अगर आपने अच्छे से डोमिसाइल वगैरह काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ले लिया तो मतलब अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएंगे। ओ वेस्ट बंगाल का नहीं है फ्रेंड, वेस्ट बंगाल की अगर है तो सॉरी फॉर दैट, नेक्स्ट वीडियो आपको वेस्ट बंगाल का मिल जाएगा, ये टेलीग्राम पे आपको मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है, ये बाय मिस्टेक है, वेस्ट बंगाल आई थिंक नहीं है इसमें, बाय मिस्टेक है, ठीक है, बोला ना बाय मिस्टेक हो गया, ठीक है, या और भी कोई अगर स्टेट का नहीं है तो आप मुझे मैसेज करें, डोंट वरी, आज ही थोड़ी देर में टेलीग्राम पे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है, वहां ज्वाइन कर ले। तो फ्रेंड आई थिंक आपको भी कुछ समझ में आ गया होगा। देखिए फ्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको भी बता दूं, मेहनत करें, और क्या होता है ना काउंसलिंग में आपको बहुत ज्यादा सीरियस रहना है, क्योंकि आपने पूरा साल पढ़ाई किया है, और अगर काउंसलिंग अच्छे से ना हो तो शायद आपका मतलब अच्छा डिजर्विंग कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, आई बात समझ में, और टेंशन ना लें, काउंसलिंग में कभी भी आपको दिक्कत ना होगा, काउंसलिंग में हमेशा मैं साथ रहूंगा, एक एक स्टेट के बारे में मैं अपडेट दूंगा आप सभी को, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा, और इसके बाद भी कोई अगर डाउट है आप सभी को तो मुझसे पूछे, ठीक है, अभी कितना ही, थैंक्स फॉर द वीडियो।